खबर भोपाल से है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में लिंक कोर्ट के शुभारंभ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधीश जस्टिस संजय त्रिवेदी ने कहा कि राहतगढ़ क्षेत्रवासियों के लिए इस क्षेत्र के नाम के ही अनुरूप राहत और एक बड़ी सुविधा मिली है। यहाँ शुरू किया जा रहा है लिंक कोर्ट, क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, जहाँ 15 दिनों के लिए कोर्ट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास है जिसे सफल बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है। यहाँ नियुक्त किए गए न्यायाधीश राहुल सोनी पर सभी की आशाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी होगी, जिसे सफल बनाने के लिए जज और अधिवक्ता दोनों के बीच समन्वित प्रयास तथा संतुलन आवश्यक है। जिन्होंने कहा कि जज और अधिवक्ता दोनों को ही न्यायालयीन प्रक्रिया में मर्यादित रहने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जब तक समुद्र मर्यादित रहता है तब तक संतुलित रहता है और मर्यादा लांघ देने पर तूफान सब आ जाता है, उसी प्रकार न्यायपालिका में भी मर्यादा और संतुलन आवश्यक है। राहतगढ़ क्षेत्र की 20 वर्ष पुरानी लंबी मांग को आज मूर्त रूप मिला है। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि लिंक कोर्ट मिलने से राहतगढ़ क्षेत्र की करीब 20 वर्ष पुरानी लंबी मांग को आज मूर्त रूप मिला है। इस कोर्ट के माध्यम से हमारी कोशिश है कि सभी क्षेत्रवासियों को सरल, सुगम और शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक, छोटे-छोटे कस्बों तक न्याय की सुविधा मिले, इसी परिपेक्ष में ये लिंक कोर्ट शुरू की गई है। उन्होंने अधिवक्ताओं सहित क्षेत्र के जनता को आश्वस्त किया कि यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी, वकीलों के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि लिंक कोर्ट के माध्यम से जहाँ एक ओर लोग उनके क्षेत्र में न्यायालयीन कार्य करा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट जज M.K. शर्मा ने कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विशेष प्रयासों से ही ये कोर्ट अस्तित्व में आया है, परंतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस तथा पोर्टफोलियो जज सागर संजय त्रिवेदी के सकारात्मक मार्गदर्शन और मंत्री राजपूत के प्रयासों से ये संभव हो सका है। कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक कार्य, प्रभारी पुलिस अधीक्षक संदीप ओइके, SDM अशोक सेन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत, राहुल सोनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राहतगढ़ लिंक कोर्ट, राजेश पांडे स्टेट बार काउंसिलिंग मेंबर, रश्मि रितु जैन स्टेट बार मेंबर सहित अधिवक्तागण और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, क्षेत्र वासी मौजूद रहे। वाटरफॉल का किया भ्रमण। राहतगढ़ के प्राचीन ऐतिहासिक वाटरफॉल का कार्यक्रम के बाद जस्टिस संजय त्रिवेदी तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं जिला जज M.K. शर्मा सहित अन्य सभी न्यायाधीशों ने वाटरफॉल का भ्रमण किया है। उन्होंने सिलेक्ट की हुई है उस जगह पे नई बिल्डिंग का जो शुभारंभ होगा, कार्यान्वयन चालू होगा, तो नई कोर्ट बिल्डिंग यहाँ बन जाएगी, तो वहाँ पे आप शिफ्ट कर देंगे कोर्ट बिल्डिंग। और ये अच्छा प्रयास है आपके लोगों को, राहतगढ़ के लोगों के लिए एक सराहनीय वो है। तो अधिवक्ता लोग हैं और जो लिटिगेंट हैं वो सहयोग प्रदान करें अच्छा न्याय पाने के लिए, आपके लिए एक सुलभ सुविधा का इंतजाम हो गया, उसका उपभोग करें, उचित रूप से उसको उपयोग करें।